हाँ भी इधर भी गई हो सुगल बात इदा कि चाह बाई ने बनाई बड़ी कड़क तो शेखर नूं नहीं आई पसंद जी गल इदा कि ट्रेन साड़ी बुकिंग जिहड़ी है ना वो नहीं हुई। हाँ जी सत श्री अकाल जी की हाल चाल मैं थोड़ा अपना के वी सिद्धू अज असीं खड़े हैं जी चंडीगढ़ शेखर डाउन साहब फेस घुमाए बड़ा उच्चा जिहा बंदा ओ ये भी नाल ही है खड़े हैं वेटर लगन दिया सो अज चंडीगढ़ पहुँचे हैं जी वैसे चंडीगढ़ तो काफ़ी टाइम दे आए हुए हैं तो यार अच्छा तो लोकेशन जी नहीं मिल रही कितनी करिए करिए सब तो पहले गई भुख पेट पूजा की पेट पूजा करने तो बाद सोचा भी कुछ करिए हैं जी चाह भरा खंड खुंड पा रहे माड़ी मोटी सो आप खड़े हैं 17 की मार्केट तो 17 की मार्केट के सामने बस स्टैंड फुट भर तो लेंदे मैं ज़्यादा हार्ड कर दी भाई तू सो गल बात इदा कि चाह बाई ने बनाई बड़ी कड़क तो शेखर नहीं आई पसंद शेखर कहना बहुत ज़्यादा कड़क है तो मैं गुरुआ ने ड्राइवर वाली बनाई है तो मैं फिर ड्राइवर है उन्होंने पता भी ज़्यादातर इतने ड्राइवर ही कनैक्टर ही आते इस करके उन्हें ड्राइवर कनैक्टर वाली बनाती कड़क जी सो इतों आप जा रहे हैं मोहाली सो अज ही एक ब्लॉग आप पाया वा इनू वधिया लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करो सबसक्राइब कर दिया करो चैनल यार मोहाली क्यों आए आप भी दसांगे तुहानू अगे अगे ब्लॉग के नाल सो सब तो पहला लाइक शेयर कमेंट करो सबसक्राइब करो सो हुण कंटिन्यू करते हैं चाह सवेर सवेर की चाह तो मोहाली वाली बस की वेट कर रहे हैं बस के सामने खड़ी आ तो ड्राइवर नहीं अजे तक आया सो जो ड्राइवर आता चलता फिर आप बस से बह के जावे अगे सो अगे अगे जिमें जिमें ट्रैवल करा तिवें तिवें तुम दसी जावे तो फिर आप इतने की करते हैं की करना आए हैं किसी खास मकसद लिए पहुँचे आप दोनों इतने तो जो भी आप करा वो थोनू वीडियो के एंड पता लग जाना सो आई थिंक जो थंबनेल तो पता लग जाना सो मिलते हैं तो ब्लॉग के नाल तुम खटे रहो बने रहो ठीक है जी सो गल जी जिथे जाना वा आप वैसे एवं सैक्टर 62 चल चले भाई ना साढ़े बंदे नू ना असल तो पता नहीं लग्या कहिंदा मैं जाना सैक्टर 62-63 वो 63 नहीं वो मार्केट हैगी सो हैगा सी आप 17A तो ऑलरेडी आप 17A च ही खड़े ही तो इतों चल के बस 15 मिनट का रस्ता पैदल उत्थे जाना आप तो भाई साढ़े नूं पता नहीं यार इन्हों ना हुणे इन्हें चंगे वेले उते कंडक्टर चंगी ही यार बस की उन्हें चली ने पहला कहता भी तुम मैं और कहना कंडक्टर चंगी ही बस की उन्हें दसता कि तुम गलत जा रहे हो इधर नूं नहीं जाना तुम इतों नेड़े ही आ तुम ध्यान ना किसी पुछ लेंदे तो जो कोई होर हों मैप भी वेखन रखे वो मैप वेखन डाया मैं पता वा जा तो जे कोई होर हों भरावा मैं पता वा तो जे मैडम मैडम की जगह कोई होर हों जिदा मान ला गल होर किसी स्टेट होंगे आप वैसे तो वैसे चंडीगढ़ वाले कहते डील वधिया करते चंगे वेले दसता उन्हें नहीं तो आप सैक्टर 62 मोहाली चल जाना ही सो मोहाली नहीं आप इतें ही जाना हैगा करैक्ट लोकेशन जी पता नहीं सी लग रही तो हूँ आप पैदल चल के जा रहे हैं तो पैदल चल के जिमें जिमें पहुँचते हैं फिर तुम कर दें अगे गल सो गल इदा कि चलद ही अमृतसर वाले ने लभ ली छबील तो इतने चंडीगढ़ छबील लगी है उत्तर नो पार्किंग का बोर्ड थले छबील लगी है आ बात पर जिनी साढ़े भीड़ होंगी उन्नी भीड़ तो नहीं पर फिर भी छबील लगी इतने हाँ वेखो छबील लगी इतने पहली बार चंडीगढ़ छबील लगी मैं हूँ उतु पानी पी के अगे आ गए तो वो लाइट तो आप हो जाना वा राइट लैफ्ट फिर तो अगे चल के करते हैं गलबात तो साड़ा बंदा वो पिछे पंगूर खाता हो गल इदा कि पूरी जदोजहद ना आप इंस्टीट्यूट लभ रहा है कैट जावे हाँ ए रहा कैट फिल्म तो आप पहुँचे हैं जी कैट फिल्म तो ये कैट फिल्म से अंदर कुछ नॉलेज चाहिए सी साढ़े बाई नूं एडमिशन लैनी पैनी है कदा वधिया इत्थे आए हाँ कुछ सुनिया देखिया मैम ने गलबात की उन्होंने वधिया तरीके ने समझाया ये सारा वाक्य कैट फिल्म का तो बहुत जल्दी आई थिंक
एडमिशन वास्ते गल करांगे। इसलिए आए से आप चंडीगढ़, यही सी साडा मेन परपस। बाकी देखते हैं की करते हैं बाहर जाके। हुण इत्थे गलबात आपां सारी कर ली है ते हुण आपां बाहर जा रहे हैं। बाहर जाके थोड़ा जिहा एक्सप्लोर करांगे। आई थिंक एक दो फ्रेंड्स ने उन्होंने मिलना, तो बाद फिर आपां जावांगे वापस घर। तो घर जाके फिर करांगे आराम, तो फिर नवीं जिंदगी उही जिंदगी। जे एडमिशन लैने तो 1 जुलाई तो कहते एडमिशन लै सकते तुसीं। बाकी देखते एडमिशन की हुंदा की नहीं, बाद देखते हैं, बाकी गल्लां बाद करते हैं। सो हुण आपां इत्थों निकल लगे हैं, चलते हैं जी। व्लॉग ना बने रहो। तो ये है जी इंस्टीट्यूट अंदर, आप जा रहे हैं बाहर। तो बाहर जाके करते हैं कुछ गल्लां बातां, तो फिर चलांगे घर दे चाले। हाँ हाँ जी शेखर जी, धुप की गल बात पहला दसो की रहा एक्सपीरियंस कैट का? यार दिल्ली बॉम्बे इधर उधर जान ना तो चंगा ही यार। यार वेख दिल्ली जावांगे, ये पंजाब वर्गा पंजाब ही है, ये तो घर भी जा सकता। हाँ उत्थे जावांगे, उत्थे रेंट ही नहीं मान सकता। चंडीगढ़ आर्ट थिएटर फिल्म्स ते बहुत ही वधिया एक्सपीरियंस ही। सो इस करके आप आए सी हुण। हाँ जी दोस्तों किदा फिर गल इदा भी इंस्टीट्यूटां दे ढक्के ते असीं बहुत खा ले आ, हुण चले आपां घर नूं। वो इदा है भी चंडीगढ़ दे विच एक एनवायरमेंट दे करके ही दुनिया बहुत ज़्यादा खिंची तुली आउंदी आ। जून के महीने के बच्चे भी गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल, मतलब गर्मी वाला जरा माहौल आ फेल नहीं। इतों है 120 किलोमीटर लगते इदा भी लगते शिमले हो ठंडी हवा आँदी पिछे तो बुला। हाँ भी मित्रों किदा भी कहिंदा जी बस नहीं मिलनी, तो इतों 9 मिनट का रस्ता आ चल के उत्थे जाना पैना, तो उत्थों मिलेगी सानू बस। तो जिमें कि साडा शेखर बड़ा चौड़ा हो के जा रहा, पता नहीं गर्मी लगन डी कि ठंड लगन डी। तो इतने लाल रंग मरुतियां बहुत फंडियां चमकीले वाली। ये साडा भाई है भाई, हैलो। तो चंडीगढ़ की एक खासियत यह आ भी पता नहीं लगता यार दिन चढ़िया रात पई आ, बंदे बुंदे जो घट दीते, पेड़ पौधे वादू दीते होंगे हैं। सो आप अगले चौंक जाके बस लवेंगे। धन्यवाद धन्यवाद इस ना दे लाइक शेयर सबसक्राइब कर दो। लो जी एक बार फिर अच्छ चंडीगढ़ साढ़े हम तश्बीलों लाइया जा रही हैं, सानू एक बार फिर शबील पे जी। हाँ जी सो गल इदा कि फाइनली आप बस स्टैंड पहुँच गए हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉक करना पाया। तो 2-3 बारी शबीलों पे रही ढिड दुद पता लग रहा होना तुम्हें कि शबील अंदर जा रही ने। कि एक्सपीरियंस रहा चंडीगढ़ का बताया जाए लोगों को? अमृतसर इस करके मशहूर आ भी उत्थे मतलब कोई रोक नहीं हैगी, इस करके चंगा लगा भी इतने हरियाली हैगी। साढ़े अमृतसर में तू बस स्टैंड के आले दुआले वेख ली तू एक तूत नहीं लभना, इतने बस स्टैंड के भी पिपल लगे है रुख लगे है, पेपर भी आले दुआले कैमरा घुमा के सारे पास रुक ही रुक। यार तुम दस ना इतने तेन किसी का घर नजर आता नहीं ना, पेड़ पौधे नजर आते बस। गर्मी में मरी जाते कूलर नमी देंदा उस टाइम ते यूज करना चाहिए जो ज्यादा खुशकी हो, एसी नमी सोखदा वा उस टाइम ते यूज करना चाहिए जो बारिशों के मौसम होंगे। 5-7 ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਰ 10 ਬਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਭਰੀ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਬੀਬਾ ਉੱਪਰੇ ਉੱਪਰੇ ਮੜੇ ਜਾ ਪਰੇ ਉਹ ਵੀਰ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਡਿਆ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਸ ਦੇਖਦਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਮਸਰ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬਸ ਭਰੀ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੁਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂਢੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘੜ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਊ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ 30,000 ਝੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਗਾਂ ਗਰੂਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮੋਲ ਧੋਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਹੋਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 30-60 ਖਰਚਣੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਭਰਾ ਮੰਨ ਜਿਆ ਕਰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੋਲ ਭਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਸੋ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਆਟੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ
ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਲੋਗ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਲੋਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।